बोलिए क्या है गलती बताए। यानी हमारे बाबू का क्या जुलम है? अपने बाबू का गलतियां जानना चाहती हूँ। जी हाँ। हमारे फटकरी बीच तुम्हारी 4 एकड़ जमीन है, उसकी वजह से उसका नक्शा नहीं बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी मुंह मांगी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो जमीन आपको जरूर देना पड़ेगा। ए मुंह संभाल के बात करना, अगर वरना जमीन के बारे में पाओगे तो बहुत बुरा होगा, समझे? अच्छा हाँ। बुरा काम हो जाए क्या होगा? जमीन अरे ज्यादा से ज्यादा दिमाग न खराब हुआ बात समझने का। बिटिया पकड़ो, तुम बिटिया पकड़ से हम जबरदस्ती अंगठा लगवा, तुम बिटिया पकड़ो जबरदस्ती अंगठा लगवाएंगे। अरे चला उधर, जोर रहा जोर रहा, हम पटना बना जा भूसा। हाँ अब हमें बारे में समझाना ही है। मैं समझा रहा हूँ कि सीधी तरह से दस्तखत कर दो, कभी नहीं वरना मुझे जबरदस्ती आता है। क्या आता है? दस्तखत कराना। अरे मैं भी लड़की हूँ। अच्छा और क्या? चार बाल चौधरी साहब, देरी किस बात की? पीछे में तुम पकड़ो, तुम जाते हो उस संख्या लगवा जाते हो। पकड़ो, तुम पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हो रहा है? तू कौन है रे? मैं? तू कौन है? मैं तेरा बाप। हरामजादे, तू साले मेरा बाप है? हाँ मैं तेरा बाप। शायद तुझे नहीं मालूम है कि तेरे सामने कौन खड़ा है। सुन मेरी बात, और चौधरी हो के गांव का और करे नीच के। चौधरी हो गे गाँव का अरे करे नीच के काम, बाबी बुद्धि कमीने अरे करता नीच के काम। और चले जा काली मानो ये कहना हमारा, ये बताओ कि तुम इसके कौन हो? मैं कुछ भी हूं लेकिन आपसे क्या मतलब है? आप गांव के चौधरी होते हुए तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती है? ये बात शर्म की बात, चौधरी साहब फटके बनवावत है, 4 एकड़ जमीन पड़ा है, उसके मांगे मुंह मांगी कीमत दी जाती है और एक व्यक्ति का नौकरी दी जाती है। कौन कौन गलती है? यानी 4 एकड़ जमीन। जी हाँ। रामू काका ये बताइए, ये जबरदस्ती आपकी जमीन ले रहे हैं? ठीक है आप देना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? अगर हम कर देंगे तो हम किए
लाइए आपका नक्शा मुझे देख ले, देख लियो सब गांव है जमीन आही लिखी देख लियो गांव है जमीन चौदह जाम नक्शा देख लिए ठीक है नक्शा देख लीजिए देख लियो नक्शा सब राम पालम जमीन हम लिखी है इसमें सभी सबकी जमीन है ठीक है जला दे नक्शा का फाटा रहे हो ये बताइए हरामजादे तेरा नाम क्या है मेरा नाम देवा है देवा अच्छा अच्छा ठीक है देवा ये दुश्मनी काली चौधरी से बहुत महंगी पड़ेगी देखा जाएगा अंत में जा रहा हूँ लेकिन जब तलक है जिंदगी मैं तेरी मुलाकात जरूर करूंगा जय काली होरी जो होकर रहे अनहोरी न हो चाकू रखे साया मार सकेगा रामू काका मैं चल रहा हूँ तेरी अच्छा पिताजी देखिए हाँ लौंडवा का परेशान की हाँ लौंडवा ना आ जैसे तो मरते बहुत चलो काका चलो चलो देखिए चलो चलो हाँ दोस्तों गौर करिए तो आज से पाइए देखिए इधर देवा रामू को बचा लेता है और स्टाम्प फाड़ के फेंक देता है उधर देवा की माँ श्रद्धा पानी लेने के लिए तैयार होती है तभी देवा पहुंच जाता है फिर देखे कैसी बातें होती है शारदा देवी क्या बताऊं मुझे स्नान भी करना है और मुझे पूजा के लिए जाना है अरे माँ क्या है माँ कहाँ जा रही हो अरे तुझे क्या मालूम तू स्कूल से आया ना हाँ माँ तू जा करके तू बैठ यहाँ पर मैं अभी पानी लेकर के नदी से आती हूँ तू बहुत थक गया है ना अरे तू मानता क्यों नहीं तू बुद्धि हो गई ना हाँ वो तो बात सही है और लेकिन मैं पानी चल चल भोजन परोस में पानी लेकर आ रहा हूँ अच्छा नहीं मानता हाँ कि तू कौन है बेटी मैं ना आशा है आशा पहले बताइए ये देवा का घर है हाँ ये बात तो सही है कि ये घर तो देवा का है लेकिन लेकिन तुमसे देवा से क्या काम है लेकिन ये बताइए वो कहाँ गए हैं आखिर ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान काकी वो स्कूल में पढ़ा था साथ में कोई मतलब यानी क्या साथ में पढ़ती हो जी हाँ मैं साथ में पढ़ती हूँ और मैं देवा से मुलाकात करना चाहती हूँ काकी बताओ ना और बता दीजिए ना माँ मैं आपके यहाँ अरे नहीं बेटी खड़े हो जाओ अगर ऐसा तुम जिद करती हो तो ठीक है मैं तुमसे जरूर बताऊंगी कि मेरा बेटा जो है अभी स्कूल से आया था और मैं घर के लिए पानी लेने जा रही थी इसलिए मेरा बेटा देवा अभी नदी में पानी भरने के लिए गया है अरे ये क्या है न जाने ये दोनों कैसे हैं चले गए कुछ भी नहीं पता और बापू तो रखिरिया और बापू तो रखिरिया महतारी खेती बरिया साई कहलना और साई कहलना उसके ललनवा और साई दादाजी
नदी को पानी लेना है। पानी आओ वहाँ काके तैयार बैठी हैं। तैयार बैठी हैं कि नहाए पानी लाओ। अर्चन के सपने दिल में बाल्टी क्यों नहीं है? बाल्टी तो कहाँ है? तुम मेरी बाल्टी लाइए। ये मेरी बाल्टी, मैं अपनी माँ के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपनी माँ के लिए पानी ले जा रही हूँ। क्या? हाँ। अपनी माँ के लिए आप पानी ले रहे? हाँ। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के लिए। ले मैं जा रही एक बात मेरी सुनो। कहो बाल्टी कहाँ जगी हो? अरे भैया ये जबरदस्ती मुझसे बाल्टी ले लिया। तो तुम ना जबरदस्ती पटक कर ले पाओ? अरे हम मैं क्या करूं? ए क्या है? सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहती हो? वो नखरी दिल में समाया मेरे नौलखा, नखरी दिल में समाया मेरे में कोई कमी है? नहीं, मेरी माँ मेरा इंतजार देखती होगी। क्या मुझे चलने दीजिए? जा रहे हो? हाँ। आओ हट करके मुझको फूल लगा लो गले। आओ हट टूट गया। और तुम्हारी सूरत पे कुर्बान मुलाजिम रख लीजिए। यानी आप प्यार करना चाहती हो ना? हाँ मैं प्यार करना नहीं, यानी मोहब्बत करना चाहती हूँ। मोहब्बत करना चाहती हूँ? जी हाँ। ठीक है, आप मुझ पर कुर्बान हो। हाँ आशिक हो? कहो भैया, तंदूर गर्म है, तंदूर गर्म है। ठीक।
ठीक है, मैं आपसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, ठीक ना? बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुनिए बोलिए, ये फूलों की रानी बहारों के मलका है, फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब से सोता है और विजय की पता लगाता है, फिर देखिए आगे कहता है सिकंदर सिकंदर सिकंदर। अरे कहीं दिया भाई तो लाग जाए धक से, कहीं दिया भाई तो लाग जाए धक से, अरे धक से धक से धक से। कहा क्या ये बताओ, विजय सिंह कहाँ मिलेगा? विजय विजय ये गुरु जी बता सकते हैं। गुरु जी? हाँ। इनका विद्यालय किधर है? विद्यालय जो रोड से जाते हैं बाएं तरफ, और छुट्टी होने का समय है, हो सकता है गुरु जी वापस आते हैं।
आओ मेरे साथ। लेकिन एक चीज है सरदार जी, ये भेद छिपा के जाना, अन्यथा वो बताएगा नहीं। अगर वो कोई चार में टोल करे तो बता देना मेरा साथी है, बहुत दिन से बिछड़ा हुआ है, मुलाकात नहीं हुई तो हम गुरु जी से पता लगा लें, तब बता देगा। ठीक है, मजा। हाँ गुरु जी महाराज रास्ते में जा रहे हैं।